हमें आपकी समस्याएं दूर करने के लिए एक जरबे सलाह पावरफुल इलाज मिल गया है। अरे भाई, विधाता ने स्पेशल केस में रविवार के दिन फुर्सत में बैठ के चुन चुन के एक एक समस्या मेरी किस्मत में लिखी है। अब तुम दोनों उसे दूर करोगे? मतलब तुम दोनों क्या विधाता से भी बढ़कर हो? अरे सेठ जी, सुनिए तो सही, हमें एक ऐसी चमत्कारी चीज मिली है जिससे आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और खुशियां ही खुशियां होगी। क्या क्या चमत्कारी चीज मिली है? ना 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 ना, वो आपको हम फोन पे नहीं बता सकते। चलिए चलिए, फटाफट दुकान पहुंचिए। बाय। थैंक यू विक्रम भाई, थैंक यू। पूरे 20 टीवी की डिलीवरी परसों तक हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। बागा, चमत्कार हो गया। सुना मैंने, सुना नट्टू काका, विक्रम भाई ने 20 टीवी का ऑर्डर कंफर्म कर दिया। वाह नट्टू काका वाह, इस चमत्कारिक अंगूठी ने फिर से चमत्कार कर दिखाया। सच में दूर करे समस्या सारी अंगूठी ये चमत्कारी। आज तो सेठ जी की किस्मत बदल देंगे। अब तो सेठ जी के जीवन की सारी समस्याएं डिलीट और खुशियां ही खुशियां डाउनलोड करेंगे। जब सेठ जी को हम इस चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताएंगे तो ये सुनकर सेठ जी कितने खुश हो जाएंगे। अरे बागा, सेठ जी चमत्कारी अंगूठी के बारे में सुन के सिर्फ खुशी नहीं होंगे, खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। हाँ नट्टू काका, जब उन्हें पता चलेगा कि उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है तो सेठ जी एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। खुशी के मारे हमें गले लगा लेंगे, हमारे साथ गरबा खेलेंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि हम दोनों को पार्टी देंगे पार्टी। अरे पागा, मेरा दिल तो कह रहा है सेठ जी और खुश होकर हमारी पगार बढ़ा देंगे। आज से हमारे और सेठ जी के जीवन में सोने का सूरज उगेगा। हाँ उगेगा। लेकिन नट्टू काका, सेठ जी इस चमत्कारी अंगूठी पे विश्वास करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। हम सेठ जी को हमारी अंगूठी के चमत्कार के अनुभव बताएंगे। पर फिर भी अगर वो नहीं माने ना तो वो वीडियो दिखाएंगे। बराबर है, आइए हम भी वीडियो देखते हैं नट्टू काका। हाँ। क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है? या नौकरी मिली है पर आप संतुष्ट नहीं है? आपके रुके हुए काम नहीं बन पा रहे हैं? आपकी शादी में अड़चने आ रही है? ऊपर से आपके घर वाले और आपके रिश्तेदारों ने आपको परेशान कर रखा है? क्या आपके ससुराल वालों ने भी आपकी नाक में दम मचा रखा है? आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है? आप अब्रॉड जाना चाहते हैं? ये देखो, दुकान में ध्यान देने की बजाय लोग मोबाइल में पिक्चर देख रहे। अरे ऐसा तो कोई आके मोबाइल चोरी करके लेके जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा इनको। और ये मेरी समस्या दूर करने की बात कर रहे थे। क्या आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं? अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान है हमारे पास। ये अंगूठी दूर करे समस्या सारी अंगूठी चमत्कारी। तो आज ही अपनी समस्या की अंगूठी के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करें। कीमत मात्र 999 रुपए। नट्टू काका बाघा। अरे सेठ जी। अरे वाह सेठ जी, आप आ गए। हाँ मैं तो आ गया, लेकिन ये क्या है? ये मोबाइल का बॉक्स खुला क्यों पड़ा है? बाघा ये क्या? हाँ नट्टू काका, ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया क्या, मोबाइल चोरी हो गया। ध्यान कहाँ तुम दोनों का? दुकान में तुम लोग ऐसे मोबाइल पे पिक्चर देखते रहोगे तो मोबाइल चोरी हो जाएगा ना। अब बिल्कुल फिकर मत कीजिए सेठ जी, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, मोबाइल अभी वापस मिल जाएगा। ए जादुई अंगूठी, जल्दी से मोबाइल का पता लगा जा। एक मिनट, ये क्या, ये क्या, ये क्या? सेठ जी, ये जादुई अंगूठी है, जादुई अंगूठी। इसे कोई भी समस्या बताओ, सॉल्यूशन यूं मिल जाता है। देखना, जो मोबाइल चोरी हुआ है ना, अब भी थोड़ी देर में वापस मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, देखते हैं। आएगा आएगा। कौन? मोबाइल।
अपने आप चल के। नहीं नहीं नहीं, जिसने मोबाइल चोरी किया है ना वो सामने से आके मोबाइल देके जाएगा। अरे क्या बेवकूफ जैसे बात कर रहे हैं तू, कोई चोर आने वाला नहीं है मोबाइल लेके। मोबाइल यहाँ है, मैंने लिया था ये बॉक्स में से, और ये बॉक्स यहाँ से निकाला था मैंने जब तुम दोनों मोबाइल में पिक्चर देख रहे थे तभी। लेकिन सेठ जी आपने अपने ही दुकान में खुद चोरी की? हाँ, आप दोनों को सबक सिखाने के लिए। कुछ पता चला, मैं दुकान में आया, इसमें से बॉक्स निकाला, बॉक्स इधर रखा, मोबाइल निकाला, मोबाइल जेब में रखा और बाहर चला गया। पता चला कुछ नहीं, आप लोग तो मस्ती से वो मोबाइल में पिक्चर देख रहे। आप दोनों इसी तरह बेध्यान रहे तो एक दिन चोर सच में आके चोरी करके कुछ न कुछ लेके जाएगा। हाँ तो लेके जाने दो, करने दो चोरी। हमारे पास ये जादुई अंगूठी है ना, ये अंगूठी की वजह से जो कोई चीज भी चोरी होगी अपने आप मिल जाएगी, दूर करे समस्या सारी अंगूठी ये चमत्कारी। अरे बंद करो ये अंधश्रद्धा की बातें, बंद करो। अरे ये अंधश्रद्धा की बातें नहीं है सेठ जी, अभी आपके सामने ही चमत्कार हुआ ना। मैंने क्या कहा था, जिसने भी मोबाइल चुराया होगा वो सामने से आके मोबाइल दे के जाएगा। अब मोबाइल आपने चुराया था, मतलब मोबाइल आपने लिया था तो आपने सामने से मोबाइल दे दिया ना। सेठ जी मैं तो कहता हूँ आप भी अंगूठी मंगवा कर पहन लीजिए, देखना आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तू जो मेरी समस्या दूर करने की बात कर रहा था वो ये फालतू अंगूठी के भरोसे समस्या दूर करने की बात कर रहा था। फालतू? नहीं नहीं सेठ जी, ये अंगूठी फालतू नहीं है। मगर सेठ जी को अंगूठी का वीडियो दिखा। जी सेठ जी, जिस तरह गर्मा गर्म शीरा आराम से गले के नीचे उतर जाता है वैसे ही वीडियो देखने के बाद अंगूठी आपके गले के नीचे उतर जाएगी। मतलब वीडियो देखने के बाद अंगूठी के महिमा के बारे में आपको सब पता चल जाएगा। वीडियो देखिए। अरे नहीं भाई नहीं, बाजू चल, नहीं देखना कोई वीडियो वीडियो मुझे। अरे सेठ जी सुनिए तो, आप इस अंगूठी को पवित्र मन और पूरी श्रद्धा से धारण कीजिए। सिर्फ एक मिनट का वीडियो सेठ जी, देख लीजिए। पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छा सोचिए, ईश्वर से आराधना कीजिए कि आपके काम बने, आपकी समस्याएं दूर हों। चलिए मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जिन्होंने इस चमत्कारी अंगूठी को धारण करके लाभ प्राप्त किया है और अपनी समस्याओं को दूर किया है। नमस्कार, मेरा नाम जयंत है। पहले मैं मेरे सेठ से बहुत परेशान रहता था। मेरे सेठ मुझसे पूरा हफ्ता काम करवाते थे, संडे को भी छुट्टी नहीं देते थे। बड़े चमत्कारी अंगूठी पहनने से सारी समस्याएं दूर हो गई। मैंने इस चमत्कारी अंगूठी पर पहले यकीन नहीं किया, फिर मैंने चांस लिया। नौकरी की समस्या निवारण अंगूठी मैंने 999 रुपए में मंगवाई और मैंने इसे पहनी। 2 दिन में चमत्कार हुआ। मेरे सेठ जी का बेटा अमेरिका से आया और दुकान संभाल ली, और मुझे संडे के साथ साथ सैटरडे को भी छुट्टी मिल गई। सच में दूर करे समस्या सारी अंगूठी ये चमत्कारी। ये अंगूठी तुम दोनों ने 999 रुपए में खरीदी? अरे क्या हा? अरे ये सब झूठ है, सब एक्टर है, एक्टिंग कर रहे हैं। अंगूठी की तारीफ करने को उनको पैसे मिलते हैं, ये सब झूठ होता है। नहीं नहीं सेठ जी, ये झूठ नहीं है, सच है। आप हमारा अनुभव सुनिए। हाँ सेठ जी, परसों जब आप दुकान से घर गए फिर मैं और नट्टू काका गोडाउन में बैठ के मोबाइल पे वीडियो देख रहे थे, तब हमने चमत्कारिक अंगूठी का वीडियो देखा और तुरंत मैंने और नट्टू काका ने इस चमत्कारिक अंगूठी का ऑर्डर दे दिया। और कल तो ये चमत्कारिक अंगूठी आ भी गई और हमने पहन भी ली, और अंगूठी पहनते ही हमारी लाइफ में जबरदस्त चमत्कार हुआ। चमत्कार हुआ? क्या हुआ सेठ जी? कल मुझे और नट्टू काका दोनों को खीर खाने की एकदम तीव्र इच्छा हुई। तो हमने पद्मावती भोजनालय में फोन करके पूछा कि भाई खीर बन सकती है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर हमने और एक दो होटलों में फोन किया तो भी खीर नहीं मिली। हाँ, फिर क्या हुआ पता है? खीर की बरसात हुई। What a wild imagination, सेठ जी। नहीं नहीं सेठ जी, खीर की बरसात नहीं हुई। तो क्या हुआ? बताता हूँ बताता हूँ। फिर हमने अंगूठी को चूम के
प्रार्थना की, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी, ये चमत्कारी अंगूठी, हमें खीर खाने की बहुत इच्छा है। भागा अंकल, नटू काका। अरे छोटू तू, पावरी दीदी ने खीर बनाई है और आप दोनों के लिए भिजवाई है, ये लीजिए। खीर, जय हो चमत्कारी अंगूठी, जय हो। देखा सेठ जी, मीरा और बावरी जी का झगड़ा हो गया था, बावरी जी मुझ पे गुस्सा थी, फिर भी बावरी जी की ओर से हमें खीर खाने मिल गई। देखा ये अंगूठी का चमत्कार? अरे ये कोई चमत्कार नहीं है नटू काका, ये तुम दोनों ने मेरे सामने ये सब बोला वो बोला, बापू जी के सामने गलती से भी बोलना मत, और ना तुम दोनों को वापस गांव भेज देंगे हुंडई। और ये खीर खाने को मिली उसमें अंगूठी का कोई चमत्कार नहीं है, बावरी का उपकार है। ये मैं से सही हो गए भाई, वो कागनू बेसू ना डालनू पड़ू, तुम दोनों को खीर खाने की इच्छा हुई और खीर खाने को मिल गई। ठीक है सेठ जी, माना माना के ये संयोग है, लेकिन संयोग सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता। आज सुबह ही इस चमत्कारिक अंगूठी ने अपना चमत्कार फिर से दिखाया। तो सुनिए चमत्कार नंबर टू, बागा नरेश। नरेश जी, नटू काका। सेठ जी, मुझे और नटू काका को हमारे घर से गडा इलेक्ट्रॉनिक्स आने के लिए रिक्शा तुरंत कभी नहीं मिलती थी। रिक्शा, रिक्शा, ए रिक्शा, रिक्शा। नटू काका, दुकान में काम करते वक्त इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी सुबह सुबह रिक्शा ढूंढने में करनी पड़ती है। बागा, रिक्शा के पीछे मत भाग, रिक्शा अपने आप मिल जाएगी। कैसे? जैसे कल खीर मिल गई थी। नटू काका, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी, ए अंगूठी जल्दी से फटाफट रिक्शा भेज। आ गई, अशोक नगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरी रिक्शा में आइए ना, मैं 40 रुपए में छोड़ दूंगा आपको। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे में आइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप जितना देंगे उतने में ही छोड़ दूंगा। अरे पहली बार सेठ जी, पहली बार तीन तीन रिक्शा वाले हम चाचा भतीजा को यहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तक छोड़ने के लिए तैयार थे। बोलिए सेठ जी, बोलिए, अभी तो मानते हैं ना चमत्कारिक अंगूठी का चमत्कार। बागा, लगता है सेठ जी अभी भी नहीं मान रहे हैं। एक काम कर, सुबह वाला चमत्कार सुना। सेठ जी, आज सुबह दुकान में आते ही मैंने अंगूठी को चूमा और प्रार्थना की कि हमें बड़ा ऑर्डर मिले, और पता है वो विक्रम भाई ने 20 टीवी का ऑर्डर कंफर्म कर दिया। अरे वाह, ऑर्डर मिल गया? हाँ, आपके आने से पहले ही उन्होंने फोन पे ऑर्डर कंफर्म कर दिया। सेठ जी, अब तो मानते हैं ना अंगूठी के चमत्कार को। अरे ये कोई अंगूठी का चमत्कार नहीं है भाई, ये ऑर्डर हमको मिले इसके लिए पिछले एक महीने से मैं विक्रम भाई के पीछे पड़ा था। ये भी एक महज सही हो गया कि आप दोनों ने अंगूठी पहनी और विक्रम भाई का ऑर्डर कंफर्म का फोन आया। सेठ जी, भले ही आप ना मानो, लेकिन ये अंगूठी समस्या जरूर दूर करती है और हर रुके काम पूरे करती है। अरे बंद करो ये अंदर सत्ता की बातें अभी, वरना मैं अभी एक ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा ना, एक ही सेकंड में तुम दोनों की पगार कम हो जाएगी। दिखाओ। सॉरी टू से सेठ जी, लेकिन आपको हमें जितना डांटना हो आप डांट लीजिए, लेकिन प्लीज इस चमत्कारिक अंगूठी को कुछ मत कहिए। सच में ये अंगूठी सारे प्रॉब्लम दूर कर देती है। अरे बस अभी बस करो ये अंगूठी के पारायण, और धंधे में ध्यान दो, मैं गोडाउन में जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना दुकान में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो मोबाइल वोबाइल वीडियो वीडियो देखना मत। हाँ जी। ये अंधविश्वास भी क्या चीज है, अच्छे भले आदमी के डागड़ी चस्का देती है। अब ये नटू काका और बागा वैसे तो कितने समझदार है,
कई बार कितने सुलझी हुई बातें करते हैं, लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में आ गए, सारी समझदारी उड़न छू हो गई। ये अंधविश्वास समाज के लिए बहुत हानिकारक है, कुछ करना चाहिए। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को बोलता हूँ कि इस विषय पे एक तड़कता फड़कता लेख लिख डाले, ताकि लोगों में जरा जागरूकता फैले। बोला था जेठालाल को कि अपनी समस्या का सामना खुद करो, पर हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, क्या कर रहे हैं? गुलाब जामुन बेच रहा हूँ भाई। क्या? अरे जेठालाल, मैंने सुबह ही तुम्हें बताया कि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। एक नौकरी पेशा आदमी अपने ऑफिस में क्या करेगा भाई, काम करेगा ना? काम ही कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह फुर्सत में नहीं हूँ मैं। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मैं भी फुर्सत में नहीं हूँ। तो फिर फोन क्यों किया जेठालाल? वो आपको याद है, मैंने सुबह आपसे कहा था कि वो नट्टू काका और भागा के पास कोई चमत्कारी चीज है। हाँ तो बताओ। हाँ तो उसी के सिलसिले में आपको कुछ बताने के लिए फोन किया मैंने। अच्छा तो बताओ। अभी क्या है, ये जो भागा और नट्टू काका है ना, वो जेठालाल एक बात तो कहनी पड़ेगी, अभी कमाल है तुम्हारे ये चाचा भतीजा, दोनों की जोड़ी गजब है भाई, गजब। अरे गजब मतलब मेहता साहब एकदम गजब है। मैंने उनको कितना समझाया कि अरे भाई ये अंगूठी बंगूठी से कोई चमत्कार होते ना, सिर्फ अंधविश्वास है। तो उल्टा वाला मुझे समझाने लगे कि नहीं नहीं सेठ जी, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सब सच है, आप भी मानिए। ये अंगूठी को लेकर दोनों एकदम पागल हो गए। नहीं नहीं मैं समझ सकता हूँ जेठा, लेकिन एक बात बताऊँ, तुमने जो सारी कहानी मुझे सुनाई इसमें मुझे एक लाभ हो गया, मुझे आज का विषय मिल गया है मेरे लेख के लिए, अंधविश्वास। अंधविश्वास पे लिखूंगा मैं आज। हाँ तो वही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया कि भाई आप ये विषय पे कोई बढ़िया सा लेख लिखो, ताकि समाज में नट्टू काका और भागा जैसे लोगों में जागरूकता फैले। नहीं नहीं बिल्कुल जेठालाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जागरूकता लाना बेहद जरूरी है, इसलिए मैं लिखूंगा इसके खिलाफ। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है जेठालाल, कि तुम अंधविश्वास में नहीं मानते। सवाल ही नहीं उठता मेहता साहब कि मैं मानूं। अरे भाई मैं कच्ची माड़ू, हम कच्चे लोग के कड़ी मेहनत में विश्वास रखते है, ऐसे सब ये अंगूठी से चमत्कार होता है नहीं, ऐसी सब बातों में हम लोग विश्वास ही नहीं रखते हैं भाई। बिल्कुल, और अब मैं फोन जरूर रख देता हूँ जेठालाल, क्योंकि अगर मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बातचीत करते हुए देख लिया ना, तो नौकरी से एक मिनट में निकाल बाहर करेंगे। शाम को मिलते हैं फिर अब्दुल चौक पे। ओके मेहता साहब, ओके। सेठ जी। हाँ बोल। आपको आपके सोसाइटी से कोई मिलने आया है? कौन? वो बीसे नाम है उनका। बबीता जी? नहीं नहीं, जेंट्स है, मेरे जैसी हेयर स्टाइल है। भीड़े? हाँ भीड़े भाई, भीड़े भाई। हाँ तो पूछने क्या है, भेज उनको। वो नट्टू काका ने भेजा है, बोला सेठ जी का मूड खराब है, एक बार पूछ लो। ये नट्टू काका भी, अरे भेज भाई भेज, जल्दी भेज उनको। अरे आओ आओ भीड़े आओ। जेठालाल कुछ नया सिस्टम शुरू किया क्या, अपॉइंटमेंट के बगैर मिलना नहीं है? अरे नहीं भाई नहीं, सॉरी, वो नट्टू काका भी पता नहीं। बोल बोल कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया। अरे सुबह तो सॉरी बोला तूने भाई, और कितनी बार सॉरी बोलेगा, सकाळीच तुमची भावना पोचली होती, आता परत भावना लगाऊन इथे का आले? जेठालाल सुबह की बात के लिए नहीं भाई, ये कल वाली बात के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अगर मैंने कल ही तुम्हारी बात मान ली होती और नई स्त्री खरीद ली होती, तो ना ही सुबह अपना झगड़ा होता और ना ही फिर से मुझे अभी यहाँ पे आना पड़ता। तो अभी तुम्हारी दुकान से मैंने नई स्त्री खरीद ली। अरे वाह, खरीद ली, वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सच बता, माधवी बाबी ने तुझे बोला इसलिए तू आया ना स्त्री खरीदने? नहीं नहीं नहीं, सच का ही नहीं, लेकिन मैंने सोचा तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अभी मुझे नई स्त्री खरीदनी चाहिए। अच्छा बाद में, मतलब पहले तो माधवी बापी ने डांटा ना तुझे? तो सोड़ने जेठालाल, अभी ले ली ना स्त्री मैंने। ठीक है चला, सोड़ा सोड़ा सोड़ा। बोल बोल क्या पिएगा, चाय मंगाऊं मस्त कड़क मसाला? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब ऐसे जेठालाल, डट्टू काका ने इस स्त्री के मेरे से 1430 रुपए लिए, तो बराबर है ना? 1430 लिए तुझसे नट्टू काका ने? हाँ। अरे भाई बहुत गलत भाव में दी थी तुझे स्त्री। दरअसल क्या, हम लोग यह 1550 में बेचते हैं, 1430 में तो हमको घर में पड़ती है। अच्छा ओ, मतलब 120 रुपए और मुझे देने? अरे नहीं रहने दे भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं।
तू कल आया तो कल ही मैंने बोला ना तुझे भाई, क्या गोकुलधाम सोसाइटी से कोई भी मेरी दुकान में खरीदी करने आता है तो मैं भाव टू भाव में माल देता हूँ भाई। तुझे ये स्त्री ये भाव में पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। चलो जेठालाल, वो नटुका और बागा कुछ वो अंगूठी के बारे में बात कर रहे थे, क्या चक्कर क्या है? तुझे भी बताया? हाँ, मुझे बोल रहे थे कि स्त्री स्त्री छोड़ो अंगूठी ले लो। बोलो अरे ये दोनों अंगूठी के पीछे पागल हो गए है, अंधविश्वास के कुएं में कूद चुके हैं, तुझे भी कूदना है? अरे नहीं नहीं जेठालाल, मैं शिक्षक हूँ, मैं खुद दूसरों को पढ़ाता हूँ कि अंधविश्वास ही नहीं होना चाहिए, मैं कैसे कूदूंगा। हाँ चलो चलता हूँ। ओके चल। नट्टू काका और बागा भी ना अंगूठी के पीछे दीवाने हो गए। नट्टू काका और बागा के पास चमत्कारी अंगूठी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा है और ऐसा होता है। वो कहते हैं कि भाई ये चमत्कारी अंगूठी जो भी पहन ले उसे चमत्कार का अनुभव जरूर होता है। नटू काका और बागा ने अपने साथ हुए चमत्कारों की फेरहिस्त भी बता दी है, बता दिया है कि क्या क्या चमत्कार हुए। खैर अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त ने इस चमत्कार को दूर से ही नमस्कार कर लिया, यानी कि मेरे परम मित्र जेठालाल ने इसे अंधविश्वास ही माना। वरना आप जानते हैं जेठालाल किसी बात पर विश्वास करने लग जाए तो फिर उस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता। लेकिन मित्रों एक बात बता दूं, चमत्कार तो होंगे, जैसे एक नल टपकता है टप 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 पानी की बूंदें टपकती है, ठीक वैसे यहाँ एक के बाद एक चमत्कार लेके आएंगे आपके घरों में हंसी। अब क्या चमत्कार होंगे, किस तरह से होंगे और हंसी कैसे छूटेगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।